तो हेलो गाइस, स्वागत है नया गेम प्ले वीडियो में। और आप तुम सोच रहे होंगे कि हम कैफे से क्यों अपने गेम की शुरुआत कर रहे हैं, क्योंकि मैंने अभी अभी बिल्कुल अपग्रेड किया है इसको। मैंने तुम्हें बताया था कि मैं ऑफलाइन खेल के ज़रूर इसे अपग्रेड करने वाला हूँ। ये ओवन है, मतलब मैंने और भी बहुत कुछ किया है, जैसे कि यहाँ मैंने अपग्रेड कर लिया है और सामने का तो मैंने अपग्रेड कर लिया था। एक वेंडिंग मशीन और मंगानी है और ये गार्ड जो है मैंने इसको भी हायर कर लिया, क्योंकि बहुत दिक्कत थी। और मुझे तो बस ये लगता है कि वेंडिंग मशीन में ज़्यादा फ़ायदा है, क्योंकि कंप्यूटर जो हमारे पीछे इनसे ज़्यादा तो पैसा उससे ही मिलता है। तो चलो वैसे तो जैसे भी देखते हैं होता है, इसे देखते हैं कि ऑर्डर हो रहा है नहीं हो रहा। और देख लो, मैंने दोनों चीज़ें ये अपग्रेड कर ली। अब तीसरी की बारी है, वो देखते हैं कितने में होते हैं। वैसे मैंने इसमें $1499 में करा था। और अपना पीसी सेटअप भी मैं सेट करेंगे कि ये तो बेकार से पीसी वीसी सब लगा रखे हैं, बाकी तो मैं सारा कुछ करने ही वाला हूँ। और देखो वो मेरा गार्ड जो खड़ा है, इस बंदे को मैंने हार किया है। और ऐसे ही मैं और भी बहुत सारी चीज़ें करने वाला हूँ। तो हम सबसे पहले तो बस यही है कि हम कुछ करने से पहले, चलो यार तुम्हें ज़रा एक टूर दिखा देते हैं। लेकिन यार मैं सोच रहा हूँ कि इसका मिशन पूरा कर लूँ या नहीं। और मैंने इसका 3 से 4 दिन हो गए, इस बंदे ने मुझे मिशन दे रखा है, लेकिन मेरा मिशन तो पूरा ही नहीं हो रहा। पता नहीं, समझ में नहीं आ रहा मिशन पूरा होने वाला कैसे है। बैट का कोई सही नहीं समझ में आया मेरे। तो बाकी तो हम सबसे पहले सफाई कर दे। तो सारे इनके साथ दिक्कत ये है कि ये आते और गंदगी बहुत करने पड़ते हैं। वैसे यहाँ तो कोई आया नहीं, मेरे ही परेशान हुए हैं, लेकिन बाकी उस साइड तो बहुत हो जाता है। और मुझे इन पर बहुत ज़्यादा गुस्सा था। सिगरेट पी के गिलास विलास, पैरों के निशान गंदे, सब कुछ यहीं फेंक देते हैं। समझ में नहीं आता इन बंदों का क्या है, तमीज़ी से आ गया, बदतमीज़ है। कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हम तो है ना, हम करके रखेंगे सारी सफाई। और ये तू फिर वापस आ गया, अब तो उसको मारता क्यों नहीं है। और मैं इसको यहाँ सेट करने की सोच रहा हूँ, लेकिन मुझे पता नहीं है कि मैंने इसे बार भी सेट किया था, लेकिन समझ में नहीं आ रहा इसका कुछ। जब तक इनके प्रॉपर रूम ना हो तब तक मज़ा नहीं आने वाला। तो मैं बाकी तो लाइन से वेंडिंग मशीन ही लगाने वाला हूँ। और मैं नेक्स्ट एपिसोड में सोच रहा हूँ कि एक मेड भी हायर कर लेता हूँ। और मैंने और भी मतलब क्या क्या बोल, बहुत बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी चीज़ें सब करेंगे धीरे धीरे। लेकिन सारा ये लगने में क्यों नहीं आ रहा, इसको प्रॉपर सेट करके बिल्कुल लगाने वाले हैं। तो हज़ार तरह की तरीके आजमाने के बाद मैंने फाइनली इसको तो मैंने कंप्लीट कर ही लिया है। और ये पता नहीं किस चीज़ के लिए है, ये भी नहीं मुझे पता। बाकी मैं और चीज़ें भी ट्राई करने वाला हूँ, और चीज़ें भी बढ़िया है। और अपना इसका मॉनिटर कहाँ गया, अब इसको तो मैं हैंग कोने में फेंक रहा हूँ कि बाद में कुछ अगर ज़रूरत पड़ी तो उठा लेंगे इसे। और यार इनमें एक चीज़ ये होनी चाहिए कि अपना स्टोरेज रूम होना चाहिए। अब हमें सिर्फ इंतज़ार है कस्टमर का। और ये सारी लाइटें भी क्या बिल्कुल ही फैशन के लिए लगा रखी, तो इंतज़ार करते हैं। आ गया, और ये मेरा फर्स्ट कस्टमर है, मतलब आज का तो। और अब हमें कोई टेंशन नहीं है, हम छोड़ के कुछ भी कर सकते हैं, क्योंकि अब हमने गार्ड भी कर लिया और हमारे पास और अपना वो भी है। तो वो दोनों, ये दोनों तो रक्षा करने वाले हैं हमारी। बाकी और कुछ देखते हैं कि नया हम कुछ कर सकते हैं या नहीं। यहाँ किसी की रिक्वेस्ट तो नहीं है भी, और इनका रिक्वेस्ट का ध्यान रखना पड़ता, नहीं तो ये उठ के वैसे ही भाग जाते हैं। रिव्यू तो ये पता नहीं सही नहीं देते, पता नहीं रिव्यू तो कम ही देने, पता नहीं क्या कुछ समझ में नहीं आता इनका। और मैं अमेज़ोन में जाके देखने वाला हूँ, मैंने इसको ऑर्डर करना था। और मैं इसके आने का इंतज़ार करते हैं, एक और बंदा आ गया। कहाँ रह गया हूँ, अरे चलो बस ये तो आ जाएगा, आ जाओ आना होगा, वापस चलते हैं देखते हैं, वहीं खड़ों के इंतज़ार करना पड़ेगा।
अरे भाई मुझे तो लग रहा वो नहीं आने वाला, क्या कहाँ रह गया? नहीं तो इतनी देर में तो डिलीवरी कर ही देता हूँ। फिर मैं खा के चलता कुछ, और मैं अपनी सारी एबिलिटी को भी मैक्स करके चलता हूँ, मैक्स करता चलूँगा, क्योंकि अब हमारी एबिलिटी जितनी ज़्यादा मैक्स होगी उतना ही ज़्यादा मज़ा आने वाला है। वो यार मैं ये तो ये सोच रहा हूँ कि वो अब तक आया क्यों नहीं, अमेज़ोन से ऑर्डर भी हो गया है लेकिन वो आया क्यों नहीं लेके अब तक? सबसे पहले तो तू निकल, और भाई कहाँ रह गया? और मैं सबसे पहला काम तो यही करने वाला हूँ कि मैं अपना बैकपैक एक ज़रूर खरीदूँ। अब वो तो आ गया लेके, अब मैं सबसे पहले तो उसे लेके वेंडिंग मशीन को सही करके उसे लगाता हूँ, और मैंने इन दोनों को साइड में बिल्कुल चिपका के लगाया, क्योंकि और भी वेंडिंग मशीन है और भी आने वाली है। मैं यहाँ लाइन से लगाने वाला हूँ सारी वेंडिंग मशीन। सबसे पहले तो तू भाग, इसकी वजह से मुझे बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहता है। साला कभी भी कोई भी सामान उठा के ले जाता है। अब इसको लगा के हमारा जो ये पीसी सेटअप है ये भी चलने वाला है, और इसे चलाने के बाद इससे भी पैसा आएंगे, लेकिन इससे तरह कुछ खास तो आता नहीं है। मैं सोच रहा हूँ कि इसे हटा के ना यहाँ पे एक और ऐसी वेंडिंग मशीन लगाई जाए, दो और। चलो उसके लिए तो फिर पैसे इकट्ठे करने पड़ेंगे, थोड़ा पैसे इकट्ठे करके फिर देखते हैं कि हमें और कितने चाहिए। और मैं सोच रहा हूँ कि अब एक साथ दो से तीन वेंडिंग मशीन मंगानी पड़ेगी, तीन वेंडिंग मशीन एक साथ लगा दूँगा। तो यार एक तो मैं सफाई कर करके थक गया, ये सफाई जितनी ज़्यादा कर लो ये उतनी ही ज़्यादा कूड़ा करके चले जा। देखो स्मोकिंग करके भी नहीं गिर जा भाई साहब, बिजली है पर इनको कौन समझाए। अबे गंजे जल्दी खेल, और देख रहे हो कि एक जा रहा है और दूसरा आ रहा है, एक जा रहा है दूसरा आ रहा है, एक जा रहा है दूसरा आ रहा है। भाई साहब कैफे तो अपना पॉपुलर हो ही गया है। और मैं तुम्हें एक बात और बता दूँ, अगर तुमने अभी तक मेरा व्हाट्सएप चैनल नहीं फॉलो किया है तो उसे फॉलो कर लेना, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। इंस्टाग्राम आईडी की, व्लॉग चैनल की, रिएक्शन चैनल की, सारी लिंक तुम्हें नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो देखो मैंने यहाँ से एक शेफ ऑर्डर कर दिया, मैंने शेफ को हायर कर लिया। अब अगर कोई कुछ भी चाहिए होगा तो शेफ ला देगा, और हम इसके साथ एक मेड भी हायर करेंगे जिससे वो मेड को अपना काम करती रहेगी। बाकी तो केलिया की मैडम, या देखो मैंने कहा था ना एक बंदा जा रहा है एक बंदा आ रहा है, चल मैं इधर दे रहा पैसा है, इधर इधर इधर, चलो इसे पैसे तो ले लिया है। अब हमारे पास $148 हो गया है। और इसकी शक्ल तुम बताओ, इसकी शक्ल कैसे लगती है? मुझे तो पता है, तुम्हें पता होगी तो बताना ज़रूर। बाहर निकल के देखते हैं, बाकी अमेज़न में देखना पड़ेगा कि हमारे ऑर्डर करने लायक कुछ और भी है क्या, जैसे ये वेंडिंग मशीन, कॉफ़ी मशीन, कुछ ऐसा भी होना चाहिए, क्योंकि पैसा तो कमाना ही है ना भाई। और जितना ज़्यादा कमाना है, जितना ज़्यादा सामान होगा उतना ही ज़्यादा मज़ा भी आने वाला है। तो हम एक काम करते हैं, हम यहाँ पहले चेक ही कर लेते हैं। और मैं एयर कंडीशनर अभी नहीं लगा रहा हूँ क्योंकि अभी तो कोई ज़रूरत है ही नहीं। बाकी हम धीरे धीरे अपग्रेड तो कर ही रहे हैं ना, और ये सब चीज़ें क्या है मेरे कुछ समझ में नहीं आ रहा। और मैं आगे जाके अपने सारे जो गेम हैं उनको भी पाय कर लूँगा सब, 100, 120 इस तरह डॉलर में। और ये क्या चीज़ है, मैंने क्या चीज़ ऑर्डर की मुझे खुद को नहीं पता। तो चलो देखते हैं, इसका ऑर्डर आने के बाद ही देखते हैं क्या है। और मैं बताऊँ ये क्या है, ये सिर्फ सूट साफ़ करने के लिए है, और इसे हम अंदर लगाएं क्या, वहाँ लगा कर देखते हैं कि वहाँ कैसा लग रहा है। यहाँ लगा देते हैं, नहीं यार इसे यहाँ से उठा के। और बस आज की वीडियो के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो जाने से पहले एक चीज़ काम कर देना, मेरा चैनल सब्सक्राइब कर देना, और जैसे मैंने तुम्हें कहा कि व्हाट्सएप चैनल, इंस्टाग्राम आईडी सब जगह फॉलो कर लेना। थैंक्स फॉर वॉचिंग। एक तो लाइक और शेयर ठोक दीजिए महाकाल का, लाइक और शेयर ठोक दीजिए, 5,000 लौटे दिख जाना चाहिए।